ये है सिगरेट, कितनी छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन इस छोटी सी चीज़ ने न जाने कितने घर बर्बाद करे। जब सिगरेट का धुआं ही इतना खतरनाक है तो सिगरेट कितनी खतरनाक होगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से आप अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट कम करते हैं। तो आज है नो स्मोकिंग डे, तो क्यों ना आज इसके धुएं से आज़ादी, हमेशा के लिए आज़ादी ले लें। तो मैं इस सिगरेट को इस तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि नो स्मोकिंग डे के बारे में कितने लोग हैं दिल्ली में जो इस तरीके से सिगरेट तोड़ेंगे और नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। तो लोग स्मोक करते हैं, कल नो स्मोकिंग डे है। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता, और अपनी हेल्थ के लिए तो सही नहीं होता, दूसरों की हेल्थ ख़राब कर रहे हो। आसपास जो होते हैं पैसिव स्मोकिंग तो और भी ज़्यादा सही चीज़ नहीं है, तो फिर तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग। स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने माँ बाप का ख्याल करते हुए, अपने श्रेष्ठजनों का याद करते हुए, ताकि उसका चेहरा बर्बाद हो जाएगा, उसके हॉस्पिटलाइज होने पड़ते हैं, माउथ बर्बाद हो जाते हैं स्मोकिंग करने से, दांत और ये टंग जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी यही राय है, ईश्वर से प्रार्थना है, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं वो कृपया स्मोकिंग छोड़ दें और एक अच्छी और खुशहाली ज़िंदगी के लिए अपने परिवार के लिए जिए, कुछ बेहतर करें। नोबडी शुड स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, एंड आई इट इज़ एडवाइजेबल दैट स्मोकिंग शुड बी गिवन अप, मोर ओवर बिकॉज इट कॉजेज कैंसर आल्सो स्मोकिंग एंड सो मैनी अदर डिजीजेज। Even if there is somebody standing nearby, he is also affected. Not only the smoker, but the people around are also affected. So it is advisable that smoking should be given up and nobody should smoke. तो जो भी पीते हैं, मैं अपना बच्चा समझ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें छोड़ देनी चाहिए ये सब, और अपने परिवार का सुख इसी में ही है कि हम कोई भी गंदी आदतों से छोड़ दें। स्थानीय जो साथ में खड़े होते हैं उन्हें ही बहुत झेलना पड़ता है, बीमारी अस्थमा वाले एस्थमेटिक है जो, उनसे इतनी परेशानी होती है, धुएँ से खड़ा नहीं हो जाता नीचे जाके। मैं यही चाहती हूँ कि जो स्मोक करते हैं कृपा करके छोड़ दीजिए, और इससे कैंसर वगैरह या बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, इससे दूसरे को भी परेशानी ना हो, ताकि बस में भी चलने वाला हर एक ग्राहक जी को रस्ते। आई थिंक इन माई ओपिनियन ईच डे ऑल 365 डेज ऑफ द ईयर शुड बी नो स्मोकिंग डे। टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू। आई जस्ट गॉट इन टू वन ऑटो एंड ऑटो ड्राइवर हैज़ स्मोकिंग। आई टोल्ड हिम टू स्विच ऑफ हिज सिगरेट। ही सेज मैडम मैं नहीं कर सकता, मैंने पैसे खर्च किए हैं, अभी जलाइए। सो आई वॉज एक्चुअली एस्टॉनिश्ड टू हियर दिस थिंग। सो आई थिंक द अवेयरनेस हैज़ टू बी सो मच दैट these people just shun from smoking. My husband also smokes, so I just keep, you know, I just don't like it and I keep fighting with him. So in my opinion, I think each day, each moment should be no smoking moment. मैं बिल्कुल नहीं करता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई दूसरा भी करे, क्योंकि पैसे भी स्मोकिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता मतलब। हाँ, मैं उनको जो एडिक्ट हैं वो हालांकि धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, और क्या नाम है, और उनको भी सोचना चाहिए कि आगे जो फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वो समझाएं और ख़ुद भी छोड़ें, मतलब छोड़ने का थोड़ा विलिंग, हार्ड विलिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। मैं बेचता हूँ लेकिन करता नहीं। काम देना पड़ता है। सिगरेट के नुकसान जितना बताया जाए उतना कम है, तो सिगरेट पीना छोड़िए इससे पहले कि सिगरेट आपको पी जाए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ रूपल न्यूज़ पॉइंट।